हमारी हेल्थ के लिए कोई ना कोई प्लान बना ही रहे हैं। तब तक अम्मा, आप, पापा और मम्मी अभी के अभी लॉयर से मिलने चाहिए। हम भाभी और पायल मिलकर के प्रॉपर्टी के असली पेपर्स कहाँ हैं वो ढूंढते हैं। वक्त आ गया है इंडिया को इस घर से और अपनी लाइफ से उठाकर बाहर फेंकने का। ठीक है बेटा, चल लेना जल्दी। कुछ भी नहीं छोड़ रही है बदला लेने के लिए यहाँ पर क्रिश, पायल और साक्षी से, और घर वालों से बदला ले रही है। भाई हमने देखा था ना किस तरीके से यहाँ पर निधि की गोद भराई हुई थी, बस किसी को जोकर बना दिया था, किसी को टेडी बेयर बना दिया था, किसी को ड्रैकुला, मतलब अलग अलग बना दिया। तो पायल को तो विलन ही बना दिया था, और यहाँ पर जो दादी थी उनको बच्चा बना दिया था, ड्रेस पहना दी थी, यूनिफॉर्म बना दी थी। तो एक अलग ही माहौल कर दिया है बिंदिया ने यहाँ पर घर। अरे यहाँ क्या रोक दिया? आदर्श नगर तो आ गए, हमें वकील साहब से मिलना है, हमें वहां जाना है। बिंदिया? हाँ हाँ बाबूजी, चले जाइएगा आदर्श नगर, पर पहले आप सब हमारे साथ चलिए। क्या करने वाली हो तुम हमारे साथ? पर लेकिन जो साक्षी और पायल है ना, उनका दिमाग अब चल रहा है, उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा बिंदिया को घर से बाहर निकालने के लिए। वही हमने देखा था कि भाई जो पायल है ना, उससे पोछा भी लगवा लेती है, उससे घर के सारे काम करा रही है बिंदिया यहाँ पर। तो हमने पहले भी एपिसोड्स में देखा था कि यहाँ पर क्रिश और पायल से वो घर का काम कराती है, पायल से मसाला कुटवा रही है, और यहाँ पर क्रिश से ना मिर्च साफ करा रही है। तो घर के सारे काम करा रही है, और ये देखकर ना दादी और जो क्रिश की मम्मी है ना, वो थोड़ा सा गुस्सा हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पर जो पायल और साक्षी है ना, वो नई प्लानिंग करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो बिंदिया के खाने में ना बेहोशी की दवाई मिला देते हैं, और बिंदिया जैसी खाती है ना तो बेहोश हो जाती है। और उसके कमरे में जाके वो फाइल ढूंढ लाते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं। तो भाई ये प्रॉपर्टीज के पेपर्स लग गए हैं पायल के हाथ, तो अब पायल क्या करेगी, क्या बिंदिया को घर से बाहर निकाल देगी?